गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की जो वीडियो वो है जून आयल्स एग्ज़ाम डेट्स। जो बच्चे जून मंथ के बारे में सोच रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, वो देख सकते हैं कौन कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं और कौन सी जो डेट है वो सही रहेगी, चाहे वो एकेडमी का स्टूडेंट हो चाहे वो जनरल का स्टूडेंट हो। तो आज की जो वीडियो वो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो डेट आ रही है वो आ रही है 3rd of June, और उस दिन जो हमारे पास एकेडमी का एग्ज़ाम है सिर्फ सैटरडे डे बनता, जनरल वालों को मौका नहीं मिल रहा उस दिन एग्ज़ाम देने का। बात करें लिसनिंग की, जो लिसनिंग आएगी वो आएगी मॉडरेट लेवल की, तो उसमें MCQs बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, ब्लैंक्स कम आ सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी जो लिसनिंग है वो मॉडरेट लेवल की हो सकती है। रीडिंग की अगर हम बात करें तो रीडिंग जो आएगी उसमें ब्लैंक्स ज़्यादा आ सकते हैं, MCQs आ सकते हैं, समरी टाइप ब्लैंक्स आ सकते हैं, तो इसलिए जो रीडिंग आएगी वो आएगी ईजी। राइटिंग की अगर हम बात करें, टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर सकते हो, पाई लाइन ऐसे, और टास्क टू की अगर हम बात करें तो वो जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट, ट्रेवल एंड टूरिज़्म, तो ऐसे जो टास्क का टॉपिक सब आ सकते हैं टास्क टू में। तो देख सकते हो अगर आपको रीडिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है तो आप 3rd of June को आज का एग्ज़ाम दे सकते हो, सिर्फ अकेडमिक वाले, जनरल वालों का उस दिन एग्ज़ाम नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है 10th of June। उस दिन जो डेट बनती डे बनता हमारे पास सैटरडे, और एकेडमिक और जनरल दोनों को मौका मिल रहा है एग्ज़ाम देने का। रीडिंग की सबसे पहले बात करते हैं, जो रीडिंग आएगी वो जनरल वालों के लिए सही आ सकती है, क्योंकि उसमें ब्लैंक्स वगैरह आ सकते हैं, और जो साथ ही साथ हम बात करें चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस या फिर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, तो ये चीज़ें आ सकती हैं। तो जनरल वालों की जो आएगी रीडिंग वो इजी रहेगी, लेकिन एकेडमिक वालों के लिए थोड़ी सी मॉडरेट लेवल लग के आ सकती है, क्योंकि उसमें मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आएंगे, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। लिसनिंग आएगी वो भी थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की आ सकती है, क्योंकि लिसनिंग में ब्लैंक्स कम आएंगे और MCQs बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, मैप के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैप आया नहीं। टास्क की अगर हम बात करें तो आप गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, कोई भी सोशल इशू आ सकता है, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास डेट आ रही है वो आ रही है 15th of June, अकेडमिक है उस दिन, एग्ज़ाम सिर्फ थर्सडे डे बनता हमारे पास। उस दिन जो लिस्टिंग आएगी वो आएगी ईजी लेवल की, बहुत ज़्यादा ईजी रहने वाली है लिस्टिंग, बहुत ही मतलब आपके बैंड्स अच्छे आ सकते हैं लिस्टिंग में। रीडिंग की अगर हम बात करें, रीडिंग का लेवल थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन आंसर्स के टाइप में आ सकते हैं, तो आपने अच्छे से प्रेपरेशन करनी है जिन्होंने 15 जून को ऑलरेडी एग्ज़ाम फिल किया हुआ है। राइटिंग की अगर बात करें टास्क वन की, तो पाई ग्राफ बहुत ज़्यादा आ सकता है, या फिर आप लाइन ग्राफ के बारे में देख सकते हो ऐसे। तो टास्क टू की अगर हम बात करें तो उसमें हिस्ट्री एंड कल्चर के साथ रिलेटेड स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, तो चिल्ड्रन एंड हेल्थ, तो बाकी प्रेडिक्शन की वीडियो तो मैं डाल ही दूंगी कि कौन कौन सी जो प्रेडिक्शंस हैं, लाइक कौन कौन सी चीज़ है प्रॉपरली, किस पैरे में क्या क्या चीज़ आएगी, तो देख सकते हो। लास्ट जो डेट बनती है हमारे पास जून मंथ में, वो बनती है 24th of June, और उस दिन एकेडमिक और जनरल दोनों को मौका मिल रहा है एग्ज़ाम देने का। बात करते हैं सबसे पहले लिसनिंग की, जो लिसनिंग आएगी वो आएगी ईजी टू मॉडरेट लेवल की, यानी कि इसमें जो पार्ट फोर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट आएगा, तो आपने प्लेबैक स्पीड फास्ट करके प्रैक्टिस करनी है, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं लिसनिंग की। रीडिंग की अगर हम बात करें, बोथ अकेडमिक एंड जनरल वालों की रीडिंग भी ईजी टू मॉडरेट लेवल की आएगी, ये नहीं मैं बोल सकती कि बहुत ज़्यादा ईजी आएगी, जब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएगी, ईजी टू मॉडरेट लेवल होगा रीडिंग का। तो आपने ब्लैंक्स की तैयारी कर लेनी है अच्छे से, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट, आपको कुछ वर्ड्स दिए, ए टू एस दिए, ए टू टी दिए, तो उसमें से कौन सा वर्ड्स आप चूज़ कर सकते हो उसके रिलेटेड। टास्क की अगर हम बात करें तो फॉर्मल लेटर आ सकते हैं जनरल वालों के लिए, तो फॉर्मल लेटर की प्रैक्टिस करनी है आपने अच्छे से। तो साथ ही साथ एकेडमिक वालों के लिए लाइन ग्राफ प्रोसेस आ सकता है इसमें, क्योंकि बहुत टाइम हो गया प्रोसेस आया नहीं। तो टास्क टू की अगर हम बात करें, तो आप टास्क टू में चिल्ड्रन एंड हेल्थ के साथ रिलेटेड
जो ऐसे स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। बाकी मैं ओवरऑल जो प्रेडिक्शन है अलग अलग वो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि ये वीडियो और भी बच्चों के पास पहुँचे और आपको पता लग सके कि कौन सी डेट्स आप चूज़ कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के साथ।